आदरणीय महोदय श्री नमस्कार। मैं दवे धवल कुमार नरेंद्र भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी का शोध छात्र हूँ। शोध कार्य में जो हमारे वर्ग लिया गया उसके लिए HRDC अहमदाबाद और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी का मैं हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ और कोर्स वर्क में मदद रूप अन्य तज्ञों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें डॉक्टर विशाल पंड्या जी, डॉक्टर महेश भट्ट जी, डॉक्टर दीप त्रिवेदी सर, डॉक्टर रिंकल सरदारा, डॉक्टर ममता पिल्लई, डॉक्टर हिरेन जोशी और अन्य सभी तज्ञों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने हमें शोध कार्य के अंतर्गत जो पथ दर्शन करवाया इसलिए उसका हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। इस शोध वर्ग में वैसे तो बहुत अच्छा कार्य किया गया और ये फर्स्ट टाइम है जो ऐसे शोध कार्य के वर्ग लिए गए हैं, लेकिन हर कार्य में विशेषताएं होती है तो कुछ मर्यादा भी होती है। उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे वीडियोस जो हमें भेजे गए उसमें हम लोग उसे डाउनलोड करके हमारे समय में जहाँ इंटरनेट ना होता था वहाँ पे भी हम रहते उसे पढ़ सकते थे, उसे नोट कर सकते थे, लेकिन काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे थे जो हम डाउनलोड कर नहीं सकते थे, जिसके कारण हमें ऑनलाइन जाके इंटरनेट के माध्यम से ही उसे पढ़ना पड़ता था, जो हमारे लिए एक इंटरनेट इतना होता नहीं था तो इस कारण हमें बहुत सी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अगर सभी वीडियोस ऐसे ऑनलाइन हम डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते तो ये एक अच्छा रहता और हमारा कार्य जो ये वर्ग था वो हम सरलता से संपूर्ण उसका विषय ज्ञान ले सकते थे। दूसरा ये कि हमें जो भी साहित्य मिला उसमें शुरुआत वहाँ से ही होती थी कि शोध का अर्थ क्या है, शोध की डेफिनेशन क्या है। तो उस संदर्भ में अगर अलग अलग पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज हमें लेक्चर मिलते तो वो बहुत हमारे लिए अच्छा होता कि जहाँ से हमने पिछले बार छोड़ा है वहाँ से ही हमारा ज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो वो एक संयोजन करना जरूरी था। और इस हिसाब से अगर आगे का कार्य भी ऐसे हो तो वो शोध छात्रों के लिए बहुत अच्छा कार्य रहेगा। और तीसरा ये मंतव्य मेरा है कि हमें संदर्भ साहित्य के लिए अलग अलग बुक्स की कॉपीज भेजी जाती थी। अगर इससे अच्छा ये होता कि भाई अलग अलग जो संदर्भ साहित्य हमें मिल रहा है या जो भी साहित्य हमें मिल रहा है उसकी एक बुक तैयार की जाए, जिससे कि एक बार तैयारी करने से जो भी शोध छात्र के हमारे बाद के जो स्टूडेंट आएंगे उसके लिए ये बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा कि उसे अलग अलग संदर्भ साहित्य में से ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई एक ही बुक ऐसी होगी जिसमें से वो माहिती ले सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा मेरा ये भी कहना है कि ऐसे जो अगर कोई शोध कार्य की बुक PhD के लिए पर्टिकुलर तैयार की जाए तो उससे शोध कार्य बहुत सरलता से और PhD के शोध कार्य में जो लोग जो विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छी बुक प्रस्तावित हो सकती है। तो ये जो थे वो मेरे जो मंतव्य थे, जो कोर्सवर्क लिए गए उसके लिए जो मेरे मंतव्य थे उसके लिए मैं और ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से ये HRDC और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी ने कार्य किया हुआ है। जिस तरह से HRDC अहमदाबाद और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी ने साथ में मिलकर जो ये कोर्सवर्क का आयोजन किया वो एक बहुत अच्छा कार्य था, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट को घर बैठे बैठे एक सीखने का एक मौका मिला, जिसमें टेक्निकली और काफ़ी सारी बाबतों में और काफ़ी सारे सूचनाओं में डॉक्टर जगदीश भाई जोशी हमारे साथ ऐसे खड़े थे जैसे कि कोई ऐसी दूरी ना हो और पास में रह के हमारा जो ये कार्य का पूरा संचालन किया और कार्य को सफल बनाया उसके लिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कोई भी सूचन हो, कोई भी दुविधा हो जिसमें हमारा सहयोग किया, हमें योग्य दिशा दिखाई जानकी मैम, तो उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।